हमने सुना है भैया 10वीं के मार्क्स मैटर नहीं करते, भैया 11वीं के 12वीं के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। बिल्कुल करते हैं, ये वो लोग बोल रहे हैं जिनके नहीं आए हैं। अब ये बहाने नहीं कि भैया ठंड बहुत हो रही है, भैया नींद बहुत आती है, भैया सुबह नहीं जल्दी उठा जाता, भैया रात को नहीं पढ़ा जाता। कौन सुन रहा है तुम्हारे बहाने? किसको फर्क पड़ता है तुम्हारे बहाने से, ये सोच लो। मेरे को फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता मेरे को फर्क। एग्जाम में नाम किसका आएगा, रिपोर्ट कार्ड में नाम किसका आएगा? तुम्हारा आएगा। ना पढ़ने के तू 100 बहाने लगा ले, बट पढ़ने के लिए तेरे को सिर्फ एक रीजन की जरूरत है। भैया सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर। अच्छा, इसका मतलब फोन चलाते रहोगे, शॉर्ट देखते रहोगे, रील्स देखते रहोगे। ये सिंगल पीस ऑफ पेपर ये तुम्हारी फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, पर इसके लिए जो मेहनत करोगे वो मेहनत तुम्हारी फ्यूचर डिसाइड करेगी। वो रात रात भर उठ के जो तुमने मेहनत करी है, जो रात रात भर उठ के पसीने बहाए हैं, वो आदत वो तुम्हें काम आएगी। मेन बात होनी चाहिए यार, हाँ अब भैया बहुत हो गया, ठीक है, दोस्त दोस्त नहीं, जो कुछ कर रहा है मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, मैं अब फोकस हूँ। तुम्हारे क्या किसी दोस्त को भी फर्क पड़ेगा अगर तुम नहीं पास हो गया, तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए? किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ तुम इकलौते हो जिसका नाम उस रिपोर्ट कार्ड पे चढ़ेगा और तुम्हें फर्क पड़ेगा। सिंपल सी बात है। ये बहाने हो गए हैं बस कि भैया सिंगल पीस ऑफ पेपर हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। ये उनके लिए है जब तुमने रात भर बैठ के रगड़ा है, जब तुम ये बहाना लगा सकते हो कि यार कुछ हो गया था, मैंने अपनी तरफ से मेहनत पूरी करी थी पर एग्जाम में नहीं हो पाया, तब ये चीज बोल सकते हो। फोन चला रहे हो, मूवी देख रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, इधर उधर हांड रहे हो दोस्तों के साथ, तब ये बहाने नहीं बात करते। आपको लग रहा होगा कि आपके आसपास कोई बच्चे हैं, आपके आसपास कोई दोस्त हैं जो नहीं पढ़ रहे, अंदर अंदर सब पढ़ रहे हैं। तो ये एंड टाइम है, इस समय हर बच्चा रगड़ रहा है। अगर अब तू नहीं रगड़ेगा तो कब रगड़ेगा? अभी आपको लग रहा होगा यार भैया यार आप तो यार पापा मम्मी ऐसी बातें कर रहे हो। मेरी जान, बाद में जो रिग्रेट होता है ना, जब कोई चीज आपको पता है आप अचीव कर सकते थे पर आप अचीव नहीं कर पा रहे, जब वो रिग्रेट होता है ना तब बहुत बुरा लगता है। तो शायद आप आज मेरी बात सुन के इस चीज को बंद कर दोगे, आप इस चीज को हटा दोगे, बाद में जाके बोलोगे यार ठीक है एक भैया थे यूट्यूब पे देख लिया था, उन्होंने मना करा था और उनकी वजह से आज थोड़ा अच्छा हो गया। अब ईमानदार हो जाओ यार, अब किसी को धोखा नहीं देना है, ठीक है? अपने आप के साथ ये शपथ ले लो कि भाई मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। तो इसलिए उस चीज को याद रख के ना अब उठ जाओ, बस अब आखिरी टाइम है। अब नहीं करा तो बस भूल जाना कि यार जो वो सपना लेके बैठे थे ना कि इस साल हम इतना स्कोर करेंगे, इस साल मैं इतना स्कोर करूंगी, नहीं होगा, रियलिटी है, नहीं होगा। अब ये आखिरी टाइम है, एक कमरे में अपने आप को बंद कर लो, आसपास माहौल ही ऐसा बना लो कि कोई घुस ना पाए, कोई आपको परेशान कर ही ना पाए, मोबाइल फोन को उठा के बाहर फेंक दो और बस लग जाओ, ऐसे लग जाओ कि भाई साहब लोग देख के डर जाएं कि यार ये तो पढ़ता नहीं था इसको क्या हो गया, ये तो पढ़ती नहीं थी इसको क्या हो गया। सुनने से कुछ नहीं होता है, इस वीडियो में जो चीजें मैं बताता हूँ सारी वीडियोस में उसमें जो भी चीजें हैं वो सुनने से कुछ नहीं होता है जब तक उसे इंप्लीमेंट नहीं करोगे। बच्चे कहते हैं भैया मोटिवेशनल वीडियो तो हम देख लेते हैं एक दिन, उसके बाद कुछ होता ही नहीं है। इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम्हारे अंदर चाह ही नहीं है कुछ करने की। जब लोग आपको बोलने लग जाए ना कि आप पागल हो रहे हो चीजों के लिए, तब मान लेना आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। जब ऐसा माइंडसेट हो जाएगा ना, जब इस लेवल पे पागल हो जाओगे, क्योंकि अब नहीं होगे तो कब होगे? अब भैया बहुत हो गया, मैं बस अब एक कमरे में बैठा हूं, मैं बस एक कमरे में बैठी और मेरे को रगड़ना है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि इस समय और कोई चीज भी नहीं है ना अपने पास। या तो ऐसा हो कि भैया हमारे बहुत बड़े बिजनेस चल रहे हैं तो हमें टाइम नहीं मिलता पढ़ाई के लिए। अभी इस समय हमें अपनी इस एज में तो इस चीज में ध्यान देना चाहिए ना कि यार अपनी 10वीं 11वीं 12वीं तो एटलीस्ट हम अच्छे से कर ही लें, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। आपको भूख लानी पड़ेगी, तपस्या आपको करनी पड़ेगी, आपको कुछ चीजों का त्याग करना पड़ेगा। अगर आप चीजों को त्याग नहीं करोगे तो आप वो जो बड़ा गोल लेके बैठे हो वो आपका नहीं अचीव होगा मेरी जान। अब तो तेरे को डबल रगड़ना पड़ेगा जिससे उस रेस से आगे जा पाए। अगर चाह होती है ना तो बच्चा बैठ के ढूंढता है कि भैया ये चीजें इस वाले टीचर ने बताई है, ये चीजें इंप्लीमेंट करना शुरू कर देता हूं, अपने आप रिजल्ट मिल जाएंगे। पर बेड पे लेट के अगर वीडियो देख रहे हो और कुछ इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो ना, कुछ नहीं होने वाला। फिर गलती एक्सेप्ट करना सीखो, ये मत सोचो कि गलती हो गई उससे भाग रहे, नहीं ठीक है गलती हुई मैंने एक्सेप्ट करी, अब तो पूरी दुनिया रगड़ रही है ना, अब उठ जाओ, अब पलटना है गेम। मेरी तरफ से जो चीज चाहिए मैं आपके लिए 24/7 खड़ा हूं यार, हर एक चीज जो आप कहोगे वो आपके लिए आ जाएगी। इस तरह से रगड़ो जितना आपके पूरे खानदान में किसी ने नहीं रगड़ा हो। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, आग लगा देनी है। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, जाओ जाओ पढ़ लो, बाय बाय बाय।